हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.2 के सवाल नंबर 3 से आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 3 में आपकी बुक से मिलान कीजिए, क्या लिखा है। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। ये जो आपको देखो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, ये क्या है, किसी नगर की एक महीने की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में है। 98.1, 98.6, 99.2, ऐसे अंत में ये आपका निवासी आदि। अब इसका पहला सवाल क्या है, वर्ग 84 से 86, फिर वर्ग 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो देखो बच्चों, हमको क्या करना है, सबसे पहला सवाल ये कि हमको इसकी वर्ग 84 से 86, वर्ग 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे अपन, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले अपन यह लिखेंगे, देखो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, प्राप्तांक ले सकते हैं, आप चाहो तो ले सकते हो प्राप्तांक। और इसके सामने लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। देखो सबसे पहला वर्ग अंतराल कौन सा बनाना, पर को ये बनाना 84 से 86, दो दो का वर्ग अंतराल 84 से 86, इसके बाद 86 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ये प्रथम वर्ग की क्या है, निम्न सीमा, ये प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, ये निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाती है। तो प्रथम वर्ग क्या बनेगा 84 से 86 और द्वितीय क्या बन जाएगा 86 से 88, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, दो दो का वर्ग अंतराल लेना हमको, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 2, इनका अंतर कितने होगा 2, ये चौड़ाई होगी वर्ग का। अब लिखेंगे देखो 88 से 90, 88 से क्या लिखेंगे हम 90, फिर 90 से लिखेंगे हम 92 और फिर लिखेंगे 92 से 94। ये कहां तक चलेगा, इसकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 98.1, ऐसे में और देखो इससे बड़ी कोई संख्या है क्या हमारे पास में, ये 99.2। तो ये संख्या 99.2 सबसे बड़ी है, किसके बीच में आएगी, ये संख्या आएगी 98 और 100 के बीच में, किसके बीच में आएगी, ये 98 और 100 के बीच में आएगी। तो हमको अंतिम वर्ग कौन सा लेना है, 98 से 100 तक लेना बच्चों। तो देखो आगे 94 से 96, 96 से 98 और ये 98 से पूरा 100 तक। ये राइट, अब देखो हमको क्या करना है, 84 से 86 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 86 मत गिनती करना, केवल 84 से लेके 86 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है वो छांटनी है। तो देखो 84 से बड़ी और 86 से छोटी होनी चाहिए, गिनती कर रहा हूं मैं, ये एक हमारे पास राइट, ये अब 86 से हमको लेनी है 88 के बीच में। देखो 86 से 88 के बीच में ये एक,
ये दो नहीं, ये नहीं, ये भी कितने आएंगे हमारे पास में, एक आएगी। अब हमें लेनी है 88 से 90 के बीच में, ये एक, और एक दो, ये दो आ गए। फिर 90 से 92 के बीच में लेनी है हमको, देखो 90 से 92 के बीच में ये एक, जी कितने आ गई, ये नहीं, एक, एक के बाद में ये दो, ये आगे हमारे पास में दो आ गई। ऐसे हम सभी की गिनती करेंगे बच्चों। अब हमें गिनती करनी है 92 से 94 के बीच में, तो देखो ये 92 से 94 के बीच देखनी हमको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये सात, ठीक है। अब हम देखेंगे 94 से 96 के बीच में, तो 94 से 96 के बीच देख लो आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छह। फिर हमें देखना 96 से 98 के बीच में, 96 से 98 के बीच देखना हमको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और सात। अब 1800 के बीच में ये एक, और एक दो, दो के बाद में हो गया हमारे पास में ये तीन, तीन हो गई, और देखिए और भी क्या, ये चार, कितने हमारे पास में चार। अब आप इनको जोड़ दीजिए, एक, दो, दो चार, दो छह, सात, 13 से 19, 19 और 7, 26 और 4, ये 30, एक टोटल हमारे 30 ही थी पूरी, ठीक है 30 आ गई। तो हमने योग करके देख लिया कितना गया 30, योग हमारी बारंबारता बंटन सारणी। इस प्रकार हमने ये बना दी बारंबारता बंटन सारणी। अब देखिए उसका सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 क्या लिखा है कि बताइए ये आंकड़े कौन सी ऋतु से संबंधित है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये तीन प्रकार की ऋतुएं होती है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आर्द्र सबसे अधिक कितनी है 99.2 और सबसे कम कितनी है 84.9, अर्थात ये सारी की सारी आर्द्रता जो दे रखी है बहुत अधिक दे रखी है प्रतिशत में, ये आर्द्रता क्या दे रखी है बहुत ज्यादा दे रखी है प्रतिशत में, बहुत अधिक हो रखी है। तो लिखेंगे तो सवाल नंबर 2, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत बहुत अधिक है, इसलिए ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। जब
सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक होती है, तो बच्चों ये वर्षा ऋतु में तो आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो सापेक्ष आर्द्रता कौन सी ऋतु में अधिक होती है? वर्षा ऋतु में। और ये सापेक्ष आर्द्रता देखो सभी एक्टिव वर्षा कम है नहीं, तो सापेक्ष आर्द्रता जब अधिक होती है तो कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु होती है। नंबर तीन, अब हमें ज्ञात करना आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आंकड़ों को परिसर या परास, परिसर को परास ही बोलते हैं। तो आंकड़ों का परिसर या परास कैसे क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप छाड़ना? इस पूरी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 99.2, देख लेना 99.2 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 84.9। इनको घटा दीजिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो उनको परिसर प्राप्त हो जाएगा। दो में से नौ नहीं जाता तो ये 12 बन जाएगा, 12 से नौ गया तो 3, ये बच जाएगा 6, 8, 8 से 4 गया तो 4, और ये कितना बच जाएगा? 9 में 4 गया तो 1, तो ये बच जाएगा 14.3। ये बच जाएगा हमारे पास 14.3%। तो परास क्या प्राप्त हो गया हमको? 14.3 प्राप्त हो गया। ठीक है, आप कह सकते हो 14.3। इस प्रकार आपको मैंने सिखाया, ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब मैं आपको सवाल नंबर अगला सिखाऊंगा, सवाल नंबर 4। अब देखिए बच्चों हमारा सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां निम्नलिखित है, जो आपके देखो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। एक विद्यार्थी की लंबाई 161 सेमी में, ये सभी सेमी में है, अगले की 150 सेमी, अगले की 154 सेमी, ऐसे अंतिम देखो 159 सेमी, ये सब क्या है? 50 विद्यार्थियों की लंबाई दे रखी है बच्चों सेंटीमीटर में। हमें क्या करना है? यहाँ पे दो सवाल है, पहला है 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में हमको निरूपित करना है। दूसरा हमारा ये, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है कि इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमको बनानी है। देखो सबसे पहले पहला सवाल है क्या बनाएंगे इसकी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमको बनानी है, राइट। अब वर्गीय बारंबारता बंटन सारणी के लिए क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले क्या है? विद्यार्थी की ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे यहां देखो विद्यार्थियों की ऊंचाई या लंबाई, दो विद्यार्थियों की लंबाई किसमें है? ये सेमी में। और यहां लिखेंगे हम बारंबारता, इनकी क्या लिखेंगे अपन? बारंबारता लिखेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? देखो इन विद्यार्थियों की लंबाई जो सेमी में है इनका बनाएंगे वर्ग अंतराल। कहां से शुरू करना? आपके पुस्तक गलत छपा हुआ है उसको सही कर लेना आप। ये पहला वर्ग अंतराल रहेगा 150 से 155 सेमी का बीच वाले, फिर 155 से 160 सेमी वाले, फिर 160 से 165 सेमी वाले,
फिर 165 से 170 सेमी वाले, फिर 170 से 175 सेमी वाले, इनके बीच में, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो इन्हीं के बीच में आ जाएगी, राइट। ये 173 है जो इसके बीच में आ जाएगी। अब इनकी बारंबारता लिखे बच्चों को गिनती करके, हमें 150 से लेकर 154 इनमें से एक कम कर देना, 150 से लेकर 154 तक की संख्या की गिनती करनी है। 150 से 154, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये लिख देना 12, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, 155 से 159 तक की गिनती करनी है, तो आप 155 से लेके 159 तक की संख्या की गिनती कर लेना, मैंने गिन रखी है, आप गिनती कर लेना, ये आ जाएगी 9। इसके बाद 160 से लेके 164 तक की संख्या की हमको गिनती करनी है बच्चों, 160, 161, 162, 163, 164 तक, तो 160 से 164 तक की संख्या की आप गिनती करना, ये आएगी 14, मैंने गिनती कर रखी है, आप भी इनको गिनती कर लेना, 161 है आपकी है, 160 से लेके 164 तक की संख्या गिनती कर लेना। अब 165 से लेके 170, 165 से लेके 170 तक की संख्या की आपको गिनती करनी है, तो 165 लेके 170 में निकलना, 165 से 173 की संख्या इसकी गिनती करनी है हमको, आप गिनती कर लेना, ये आएगी 10। अब 170 से पूरी 175 तक की संख्या की आपको गिनती करनी है, गिनती कर लो, 170 से 175 यानी 7 का आंकड़े वाले, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने आ गए 5। इस प्रकार हमने गिनती कर ली, 150 से 154 तक की संख्या कितनी है 12, 155 से 159 तक की संख्या कितनी है 9, 160 से 164 तक की संख्या कितनी है 14 संख्याएं हैं, 165 से 169 तक की संख्या कितनी है 10 संख्याएं हैं, और 170 से पूरी 175 तक के बीच में जो संख्या है वो पूरी कितनी है 5 है। अब इन सबको जोड़ के देखेंगे बच्चों, इनका योग 50 आना चाहिए, देखो 2 में 9 जुड़ेंगे 11, 11 में 4 में 15, 15 5 जुड़ेंगे 20, 20 के शून्य आंसर के 2, 2 में जुड़ेंगे 3, 3 1 4 1 5, तो ये तो बन गया हमारा क्या, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटर सारणी हमने बना ली बच्चों। इस प्रकार ये विद्यार्थी की लंबाई सेमी में लिख देंगे, उसके सामने बारंबारता लिख देंगे। अब इसके बाद देखो हमारा सवाल नंबर 2 और दिया, इसमें हमारा सवाल नंबर 2 दिया है कि इस सारणी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस सारणी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए सारणी से हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष तो यही है देखो कि यहां पे ये 150 से 174 12, 155 से 159 तक 9, 160 से 164 तक 14, और 165 से लेके कितनी है 15। हमारे पास क्या है, ध्यान देना, 12, 9, 21 और 35, इन तीनों का जोड़ कितना गया 35, यानी ये 50 का आधा कितना था 25, 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी का आधा कितना 25, तो 25 से अधिक विद्यार्थी कितने हैं, 25 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या क्या है यहाँ पे, ये 164 की गिनती की हमने, 160 से 164 की गिनती की, 165 यहां चालू हो गया, तो ये 35 विद्यार्थियों की जो लंबाई है आई समझ में, वो क्या है 50, ये 165 से इसे कम है, तो क्या लिखेंगे निश्चय से नहीं करेंगे, नहीं 50 का था कितना 25, और 25 से ज्यादा कितना क्या 35, तो 50 का था 25, तो 100 का था 50, तो 50% विद्यार्थियों की लंबाई क्या है हमारे पास 165 से कम है, तो लिखेंगे निष्कर्ष, इस सारणी से क्या निष्कर्ष निकलेगा, 50% से
अधिक विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेमी से कम है, अर्थात अधिकतर विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेमी से कम है। बच्चों इस सारणी से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकतर विद्यार्थी यानी 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेमी से कम है। अब बच्चों ये दो सवाल मैंने आपको समझे, बड़े महत्वपूर्ण थे और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए गए होंगे। इसके बाद इसके आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।